हेलो फ्रेंड्स, मैं कमलेश कमलेश किचन में आपका स्वागत करती हूँ। तो फ्रेंड्स, आज आपके लिए बहुत ही सस्ती, बहुत ही ज़्यादा सस्ती है और इस फेस्टिवल ये बहुत ही ज़्यादा यमी मिठाई हमारी बनकर तैयार होगी। राखी के त्यौहार पे आप इस मिठाई को ज़रूर बनाएं। ना मावे की जरूरत पड़ेगी, ना ही आपको मिल्क पाउडर की जरूरत पड़ेगी। मिनटों में तैयार होने वाली चावल के आटे से ये मिठाई तैयार होगी, झट से तैयार हो जाती है बनकर। तो राखी पर क्यों ना हम बनाते हैं यही मिठाई। कितनी टेस्टी है, डबल साइड की जो हमारी मिठाई है ना, मार्केट की जैसे लगती है, बिल्कुल ही सॉफ्ट मिठाई बनकर तैयार हुई है। तो मैंने यहाँ पर एक पैन लिया है और इसमें मैं डालूँगी चावल का आटा। तो चावल का आटा मैंने घर में ही तैयार किया था। मैंने चावल को अच्छे से कपड़े से साफ़ करके और मैंने मिक्सर जार में इसको अच्छे से बारीक पीस लिया और फिर छन्नी से छान लिया। ये मैंने इस तरह से आटा तैयार कर लिया है। अगर आप चाहें तो मार्केट से भी आटा बना हुआ आता है, आप वो ले लें। तो यहाँ पर मैंने इसको ज़्यादा नहीं ब्राउन करना, सिर्फ लाइट ब्राउन ही करना है। इसका कच्चापन निकालना है, हमें आटे का कच्चापन निकालना है। और लो टू मीडियम आंच पर ही इसको हम पकाएंगे, धीमी धीमी आंच पर। अच्छे से सीख जाएगा ये। तो हमारा ये देखिए आटा एकदम से सीखने लगा है और नीचे से हल्का हल्का सा इसका कलर चेंज होने लगा है। तो मेरा आटा एकदम से भून चुका है। और मैं सेम पैन में ले लूँगी। यहाँ पर एक कटोरी के करीब मेरे पास मलाई वाला दूध था, जो हमारा पतीली में बच जाता है ना मलाई वाला दूध, वही है ये। एक कटोरी से नाप के, जिस कटोरी से मैंने चावल का आटा लिया था उसी कटोरी से नाप के एक कटोरी दूध मैंने डाला है मलाई वाला, और आधी कटोरी मैंने डाली है मलाई। यानी कि सेम कटोरी से मैंने डेढ़ कटोरी इसमें लिया है, यानी कि एक कटोरी चावल का आटा, तो डेढ़ कटोरी हमने ये मलाई वाला दूध ले लिया है। इसमें दो चम्मच ले रही हूँ मैं कोकोनट पाउडर। कोकोनट पाउडर मैंने दो चम्मच फुल भर के ही लिया है, इसे भी इसमें डाल देंगे। और एक कटोरी मैंने ली है उसी कटोरी से नाप के चीनी, और मैंने तीन चार इलायची को दरदरा कूट के इसमें डाल दिया है। और अच्छे से जब हमारा ये चीनी अच्छे से मिक्स हो जाएगी, उसके बाद हमने ये चावल का आटा इसमें मिला लेंगे। और चावल का आटा मिलाने के बाद थोड़ा सा आप इसमें घी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि ये पैन में लग रहा है। वैसे घी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ एक से दो चम्मच हम इसमें घी डालेंगे, क्योंकि हमने इस दूध जो लिया था वो मलाई वाला लिया था, और हमने जो कच्चे दूध की क्रीम ली थी ना ऊपर से आधी कटोरी, वो घी का काम करेगी। तो हमने यहाँ पर बहुत कम घी लिया है, थोड़ा सा। अब हमने क्या किया कि आधा से ज़्यादा हमने मिक्सर निकाल लिया है व्हाइट मिठाई के लिए, क्योंकि हम यहाँ पर दो कलर की मिठाई बनाएंगे। तो बाकी मैंने दो से तीन चम्मच बचा लिया है चॉकलेट कलर की मिठाई बनाने के लिए। तो यहाँ पर मेरे पास कोको पाउडर था, उसको मैंने दूध में मिक्स करा और मैंने इसको इसमें मिला दिया। तो यहाँ पर मैं डाल दूँगी एक चम्मच घी डाल रही हूँ, क्योंकि ये पैन में लग रहा है ना इसलिए। तो मैं इसको धीमी धीमी आँच पर इसको गाढ़ा होने तक पकने दूँगी। और जो हमने व्हाइट वाला पोर्शन, इसका जो व्हाइट वाला हिस्सा निकाला था ना, उसमें थोड़ा सा घी लगा लें। अगर ना भी लगाएं तो भी चलेगा, क्योंकि घी हमारे पास इसमें काफ़ी सारा पहले से है। तो ये काफ़ी गर्म है इस टाइम, तो मैं इसको स्पैचुला की सहायता से ही इसको मैसूँगी। अच्छे से हम अच्छे से मैस लें। अगर ये आपको लगे ठंडा है तो थोड़ा हाथ से मैस लें इसको। तो मैंने इसको इससे इसी से मैसते हुए सॉफ्ट कर लिया है। और एक मेरे पास केक टिन है, आप चाहें तो थाली में या किसी प्लेट में इसको जमा सकते हैं। तो मैंने केक टिन के अंदर इसको जमा रही हूँ। तो सबसे पहले हम डालेंगे ये वाइट वाला हिस्सा, हमारा काफ़ी सॉफ्ट हो चुका, इसे हम इसमें डाल के अच्छे से जितना मोटा आपको बर्फ़ी चाहिए आप उतनी मोटी लेयर इसकी लगा दें। तो मैंने यहाँ पर ज़्यादा मोटी लेयर नहीं लगाऊंगी, तो मैं इसको इसमें कवर कर लेती हूँ आधे में। और यहाँ पर ये जो मेरा ये जो था ना चॉकलेट वाला जो कलर हमने तैयार किया था, इसको भी मैं इसके ऊपर डाल दूँगी। और एक लेयर हम इसके ऊपर से इसकी लगाएंगे और इसको अच्छे से चारों तरफ फैला लेंगे। तो मेरी मिठाई काफ़ी मोटी बन चुकी थी, तो मैंने इसको काफ़ी अंदर तक फैला दिया। और ऊपर से डाल दूँगी मैं कोकोनट पाउडर, और इसमें हम गार्निश के लिए लगाएंगे थोड़े से काजू। अगर आपके पास, मेरे पास पिस्ता नहीं थे, नहीं तो मैं पिस्ता लगाती, उससे बहुत ही प्यारा कलर आता है, ग्रीन कलर का जो कलर आता है बहुत ही ज़्यादा देखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है। तो मेरे पास इस टाइम फ़िलहाल काजू थे, तो मैं काजू ही डाल रही हूँ। तो इस फेस्टिवल जो राखी का त्यौहार है, उस पर इस मिठाई को आप ज़रूर बनाएँ। मार्केट से लाना बिल्कुल बंद कर दें और घर में ही बनाएँ, बहुत ही ज़्यादा अच्छी मिठाई लगेगी और आपके गेस्ट को भी पसंद आएगी। आप ज़रूर इसको ट्राई करें। तो मेरी वीडियो आपको कैसी लगी, और मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को कमेंट्स देके ज़रूर बताएं, मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहता है। तो अब मेरी मिठाई जम चुकी है, मैंने इसको एक घंटे के लिए छोड़ दिया था। काफ़ी अच्छी मिठाई हमारी जम चुकी है, तो इसको मैं निकाल लूँगी एक प्लेट में बाहर। काफ़ी आराम से निकल चुकी, जैसे कि आप देख रहे हैं कितने आराम से निकल चुकी है। अब इसको मैं कर लूँगी कट।
पीस आप अपने हिसाब से बड़े छोटे कैसे भी कर सकते हैं। बहुत ही सॉफ्ट मिठाई हमारी बनकर तैयार हुई है और इसको हम इस तरह से कट कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, जब तक मैं मिठाई कट कर रही हूँ, आप मेरी वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर दें। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें। तो आप, मैं इसी फेस्टिवल आपके लिए आगे काफ़ी सारी मिठाई लेके आने वाली हूँ, तो आप ज़रूर मेरी वीडियो को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें और जो बेल का निशान है ना, उसे ज़रूर क्लिक करें, क्योंकि उसी से तो मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलेगी। तो यहाँ पर मेरी सारी बर्फियाँ कट के तैयार हो चुकी हैं और मैं इसको तोड़ के भी आपको दिखाऊंगी। काफ़ी सॉफ्ट हमारी मिठाई बन के तैयार हुई है। आप इसे स्टोर भी कर सकते हैं, 5 से 7 दिन तक के लिए आप इसको स्टोर में, फ्रिज में रख कर भी खा सकते हैं। बड़ी ही टेस्टी हमारी मिठाई बन के तैयार हुई है। देखिए, लग रही है ना बिल्कुल मार्केट में, जैसे हमारी चॉकलेट वाली मार्केट में मिठाई मिलती है सेकंड लेयर वाली, उसी तरह की लग रही है ना। बहुत ही ज़्यादा यम्मी और सॉफ्ट मिठाई हमारी बनकर तैयार है। बहुत ज़्यादा मैंने इसको खा कर देखा, मुझे बहुत स्वाद लगी। तो मैं फिर से आपके लिए एक बहुत ही अच्छी अच्छी वीडियो लेके आती रहूँगी। तो आप, फिर मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ।